हेलो दोस्तों, आज जो आपके लिए एक बहुत बड़ी दुखी खबर है। हाँ, कि तारक, ये बात है कि तारक मेहता शो अब बंद होने वाला है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल पक्की है और बिल्कुल 100% बात पक्की है, और तारक मेहता शो अब बंद होने वाला है। ये बात बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल सच है। और शो बंद क्यों होने वाला है वो मैं बताऊंगा दोस्तों, कुछ कुछ बात ऐसी कही कि शो लैंग्वेज शो चलता ही रहेगा, ऐसी बातें भी आई है। तो आज हम दोनों टॉपिक की बात करेंगे कि शो अगर चल रहा है चलता ही रहेगा तो क्यों चलता रहेगा, और शो बंद होगा तो क्यों बंद होगा, दोनों बातें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। और दोस्तों कि दोस्तों एक मैंने पिछले वीडियो मैंने मैंने सवाल पूछा था, उसके किसी ने कमेंट भी नहीं किया और किसी ने वीडियो भी नहीं देखा। क्या है क्या दोस्तों, तो वीडियो आप देखिए, क्या किसी ने वीडियो भी नहीं देखा यार? क्या चक्कर क्या है? कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो क्या है कि सब्सक्राइब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो क्या है कि हमें क्या है कि आप देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो क्या है, वीडियो सीधे आप सबसे पहले वीडियो आप देख सकते हो। और आप इस तरह चैनल सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, क्या है क्या है, आप वीडियो करते हो क्या है ये कुछ? इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे आप बिना देखे देख के जा रहे हो, उड़ रहे हो, देख के लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करो, नहीं कर रहे हो कुछ तो करो। इसलिए लाइक करना, कुछ कमेंट या सब्सक्राइब में से कुछ ना कुछ करना, लाइक करो, कुछ भी करो, अरे कुछ एक चीज तो बिल्कुल देख के जा रहे हो, बिल्कुल देख के जा रहे हो। तारक मेहता तो बंद क्यों होने वाला चाहते? क्या है कि दिशा वकानी जो 2 साल से शो में नहीं आई, 2 साल से शो में नहीं आई। हाँ दोस्तों, पहली बात करें तारक मेहता शो चालू कब हुआ था? और दोस्तों तारक मेहता शो चालू तब हुआ था 8 अक्टूबर 2008 में, ये शो चालू हुआ था 8 अक्टूबर 2008 में, ये शो चालू हुआ था। और आज तारीख है, देख लो आज, तो देखिए आप 2019 से, आज 2008 में चालू हुआ था और आज 2019 से। तो दोस्तों मेरा सवाल है कि क्या कोई भी शो इतना लंबा चल सकता है? नहीं, पहली बात है ना, कोई भी शो इतना लंबा तक चलेगी? देखिए अपने बाद में देखो, 2012 में चालू हुआ और 2017 में खत्म हो गया है ना, और बड़ी दूर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और यारों का दर्शन भी ज्यादा नहीं चला, जो यारों का दर्शन था वो, और चिड़ियाघर वो भी सब बंद हो गया ना। इसी तरह बहुत सारे जैसे ना, सब ठीक है, बड़ी बात नहीं है। मैं किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, कोई भी चैनल हो, कोई भी सब टीवी क्या, कोई भी सरकार भारत है या फिर लाइव होते हैं। देखिए लाइव होके क्या था कि लाइव होके जब सीरियस बंद हो गए थे, साथ में पूरा चैनल ही बंद हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें बंद हो गई है ना, और जैसे नामकरण भी बंद हो गया ना, नामकरण आता था जो स्टार पे नामकरण आता था स्टार पे, तो वही दोस्तों शो बंद होने के पीछे कारण होते हैं। ये कारण नहीं होते दोस्तों, क्या है कि शो के पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। शो के बनाने के दो दो कारण होते हैं, या फिर शो के पास स्टोरी नहीं होती, ये भी होते हैं ना। या फिर क्या होता है कि सही बार क्या होता है कि शो इतने पुराने हो जाते हैं कि लोगों को देखने की संख्या कम हो जाती है, और इसकी वजह से शो बंद करनी पड़ती। लेकिन तारक मेहता शो एक ऐसा शो है कि जो कि अगर शो अगर लोग देखना भी बंद कर दें तो भी ये शो चला के रहेंगे, लंबा चलाते रह रहे शो, भले लोग देखना बंद कर दें शो चलाते जा रहे। और इसी कारण क्या हो रहा है कि दिशा वकानी जी, ठीक है, दिशा वकानी शो में 2 साल से नहीं रही है ना, ये कहा, ये पहला कारण है जो कि शो बंद करने के पीछे कारण बन सकता है। नहीं, ये दिशा वकानी के शो बंद करने का कारण नहीं, दिशा वकानी चलेगी तो नहीं जाएगी। इनकी गलती क्या है कि दूसरी दया का रोल निभा, क्योंकि दूसरे एड्रेस को नहीं ला रहे, ये बड़ी गलती है ना। और इस शो की कॉम जो पहले था, पहले और आज दिशा
दया के जाने के बाद, सो में दया के जाने के बाद और से पहले का फर्क दीजिए, क्या फर्क है ना, देख लो ना आज। और दूसरी सोनू, जो सोनू बीड़े आत्मा बीड़े की बेटी, बेटी का नोनी बनी सोनी, नेति भानुशाली सोनू अट्रैक्ट नेति भानुशाली, अपने नाम अब जाए तो सोनू, वो क्या रहा है कि 3 महीने से वो गायब है। और उसको गायब है दोस्तों, क्या हुआ है कि वो दिल्ली में वर्कशॉप, 1 महीने की वर्कशॉप पे गई थी और आज 4 महीने होने वाले, तो यहाँ 3 महीने, 3 4 महीने हो गए, 3 4 महीने हो गए दोस्तों, वो गायब है। अब वो गायब हो गई। अब दोस्तों कई लोग कह रहे कि वर्कशॉप 3 महीने की है, 3 4 महीने की है, वो बहाना कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, सब फेक है। या तो निधि भानुशाली ने शो को छोड़ दिया है, या तो निधि भानुशाली गायब हो गई, दो ये दो कारण है। तो अब मेरे ख्याल से तो निधि भानुशाली शो को छोड़ चुकी है, क्यों, क्योंकि इतना लंबा काम भी किस शो में काम कर पा रहा। और क्या हो रहा है शो में, क्या हो रहा है, इनकी पेमेंट फिक्स है, फिक्स होती है ये। अभी आप अगर आप इसमें क्या होता है कि अगर आपका शो कैरेक्टर अगर अच्छा बैठ रहा है या आपकी एक्टिंग अच्छी जमती है, तभी आप इस शो में लंबा चल सकते हो, बढ़िया है ना। और इसमें कि पेमेंट फिक्स होती है इनकी। और वैसे आपने पीछे जो बचपन की जो स्कूल की जो टॉपिक थे ना, जो आज कॉलेज से रूम के देगी, मतलब बचपन जो पैर स्कूल की जो टपरी सेट वो अलग थी और ये कॉलेज की टपरी से ना अलग है, वो एक्टर अलग थे और ये एक्टर अलग है ना, तो क्या बोलिए, तो ये होती है। तो अगर ये चाहते इसी शो में अगर इनकी शो जिस तरह आगे बढ़ रहा है, अगर उसके अनुसार अगर इनकी हाइट बढ़ गई, जैसे शो में टास्क वो होते हैं ना, जैसे अलग अलग हाइट बढ़ी है, अगर उनकी हाइट बढ़ गई, इनकी हाइट बढ़ती है, तो ये पूरी आखिरी इस सब के आखिरी एम तक इसमें काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर इनकी हाइट बढ़ती है तो ये आखिर लंबे समय तक काम कर सकते हैं, जैसे सारे सब ये करेंगे, लेकिन ऐसा इनकी हाइट पर निर्भर करता है, इनकी हाइट कैसी है क्या है, हाइट पर निर्भर करता है। अब सोच रहे कि अरे भाई पैसे फिर क्या होती है, पहले से एक्टिंग करना सीखा नहीं, वो उनकी हाइट होती है, हाइट एक ही हाइट कम होती है, बाकी उनकी उम्र कम नहीं होती बच्चों की, जो उम्र बच्चे आपने कई शो में देखा कि बच्चों का रोने वाले क्या उनकी, क्या वो बच्चे ही हो गए, बच्चे होती है उनकी, क्या है कि वो हाइट कम होती है, और इनकी हाइट कम होती है इसकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों अब तारक मेहता तो बंद होने वाले दोस्तों, अब हमारे पास देखो नहीं चाहिए कि जेठालाल जा रहा है दिल्ली, जा रहा है दीदी से मिलने बाद जा रहा है दिल्ली, तो दोस्तों जेठालाल भी दिल्ली जा रहा है, सोनू भी दिल्ली ये बना रहे हैं ना। तो दोस्तों अब कहीं जेठालाल भी जैसे भानुशाली की तरह सोनू की तरह गई गायब ना हो जाए, मुझे तो यही लग रहा है कि गायब हो जाएगा ये, और ये होने वाला था। तो में लंबा काम करना नामुमकिन है दोस्तों, ये तो 2019 में तो नहीं बन होगा, 2019 में बन नहीं होगा, 2020 में बन होगा, अभी बस अभी न्यूज आई है बन होने वाला है और ये होगा जरूर, मैं कह रहा हूँ ये तो 2020 में बन हो के ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों अभी आपने निर्भर वो अभी पीछे एपिसोड अब्दुल के दोस्त की स्टोरी में वो बाइक थी आई थी और एक दिन के लिए वो भीड़े नासिक गया था ना, आत्मा तो क्या भीड़े भी नासिक गया था ना, तो जब जिस तरह सोसाइटी में कार्य कार्य के में वो नासिक गया था, कुछ हजमरा नहीं, ये क्या रहा है कि इन लोगों ने एक्टिंग काम में नहीं किया, नेक्स्ट टाइम इन्होंने काम नहीं किया, ये छुट्टी पर थे या किसी काम से गए थे, है ना। तो दोस्तों ये चीजें थी, ये चीजें हैं। अब शो तो बंद होगा, होगा बहुत बड़ी दुख की खबर है दोस्तों, सॉरी,
लेकिन जो है वही है। सो को तो बंद होना ही है, सो तो बंद होगा। ओके ठीक है। हाँ बस एक बात है लाइफ में, अब ये सो बंद होता है या चालू रहता है उससे कोई मतलब नहीं। हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो में आप एक, हाँ दोस्तों एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। हम आशिक कुमार मोदी जो सो के ताज मेहता शो के मैट्रेस है मोदी, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आशिक कुमार मोदी जी से अगली वीडियो में, कि आशिक कुमार मोदी से अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, करेंगे कि उनसे बात करेंगे और उनसे आपके जो सवाल है आप आशिक जो भी सवाल पूछना चाहते हो कमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसे लेकिन हम कोशिश करेंगे आप बात करें, और वो आ रहे हैं बहुत जल्दी शो में, हमारे चैनल पे आ रहे हैं। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि अगर आपको आशिक कुमार मोदी जी से लाइव बात करनी है लाइव, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आपके सवाल कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में दीजिए, हम वो सवाल उनसे पूछेंगे और हमको जवाब मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि आप कुछ कुछ नहीं करते हो देख के चले जाओ भाग लो, तो देख के जैसे कि ट्रेन छूट गई थे भाग लो, ये मत करो। और आज का सवाल इस शो से संबंधित है, अंजलि जो अंजलि शो में अंजलि का रोल निभा था, अंजलि तारक मेहता जो है अंजलि, उसका रियल नेम क्या है? रियल नाम बताना अंजलि का, रियल नेम क्या है? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। हाँ दोस्तों लाइक चैनल सब्सक्राइब कमेंट करें। और दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन के नीचे नीचे एक लिंक है, उस लिंक 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 पे जाइए जाइए दोस्तों, उसमें हमारा एक और चैनल भी है, उसको भी चेकअप करिए। और अगर आप नहीं करते हो तो दोस्तों हाँ एक बात लास्ट बोलना चाहता हूँ, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, तो आप वीडियो मत देखो। अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर आप हमारी वीडियो में किसी चीज़ की कमी है तो कमेंट करो, या आपको हमारी वीडियो में पसंद नहीं आ रही तो कमेंट करो, या मेरी भाषा आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन करो जरूर, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आप देख के भाग रहे हो फिर जैसे ट्रेन छूटी है, मत करो। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।